दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं एक भारतीय टेलीविजन अभिनेता और मॉडल गौरव खन्ना के लाइफस्टाइल के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गौरव खन्ना एक भारतीय टेलीविजन अभिनेता और मॉडल हैं। उन्हें जीवन साथी में नील और तेरे बिन में अक्षय की भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी कि गौरव अपने शुरुआती दिनों में यामी गौतम के साथ ही एक टीवी सीरियल कर चुके हैं। उस समय यामी अपने करियर के लिए संघर्ष कर रही थी और वे टीवी सीरियलों में देखी गई थी। गौरव ने बहुत कम समय में टीवी अभिनेत्री आकांक्षा चमोला को डेट करके शादी कर ली थी और अभी वे अपना करियर बनाने में मेहनत कर रहे हैं। अगस्त 2021 अनुपमा शो में उनकी एंट्री अनुज कपाड़िया के बाद वे मीडिया में चर्चा के विषय में बने हुए हैं और अपने किरदार के कारण दर्शकों को खूब मनोरंजित कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनके जीवन की पूरी कहानी और इनकी लाइफस्टाइल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इनके फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दें आई एम फैन ऑफ गौरव खन्ना। दोस्तों इनका रियल नाम गौरव खन्ना है। प्रोफेशन से वो एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्रा और मॉडल है। गौरव खन्ना का जन्म 11 दिसंबर 1980 को उत्तर प्रदेश कानपुर शहर में हुआ था। आइए जान लेते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में। गौरव को शुरुआत से लगा नहीं था कि वो एक टीवी अभिनेता बन सकते हैं, इसलिए उन्होंने अभिनय की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था और अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने लगभग एक साल तक आईटी फर्म में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम किया। अब बात करते हैं इनके फिजिकल स्टेटस के बारे में। इनकी हाइट 5 फीट 9 इंच, वेट है 70 किलोग्राम, बॉडी मेजरमेंट है 41 30 15। इनकी आंखों का रंग गहरा भूरा है और बालों का रंग काला है। नेशनैलिटी से यह एक इंडियन है और रिलीजन से हिंदू हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी पसंदीदा चीज़ों के बारे में। इनके पसंदीदा अभिनेता अमिताभ बच्चन हैं और पसंदीदा अभिनेत्री माधुरी दीक्षित और कैटरीना कैफ। हॉबीज जिम करना और पेंटिंग करना। पसंदीदा भोजन छोले भटूरे और माँ का बना पंजाबी खाना। पसंदीदा रंग भूरा एवं नीला। पसंदीदा स्थान गोवा। आइए जान लेते हैं इनकी फैमिली के बारे में। उनके पिता का नाम विनोद खन्ना है जिनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है और उनकी माता का नाम साक्षी खन्ना है जो कि एक हाउसवाइफ है। परिवार में इनके अलावा उनकी एक बड़ी बहन भी है। अगर इनकी निजी ज़िंदगी की बात करें तो अभिनेता गौरव खन्ना को आकांक्षा चमोला के साथ 24 नवंबर 2016 को लखनऊ में शादी के बंधन में बंध गए। वह एक टीवी अभिनेत्री है जिन्होंने साल 2015 में टीवी शो स्वरागनी जोड़े रिश्तों के सुर टीवी अभिनय करियर की शुरुआत की थी। टीवी शो के ऑडिशन देते समय गौरव के संपर्क में आई और एक साल बाद ही उन्होंने गौरव से शादी कर ली। आकांक्षा चमोला अपने लोकप्रिय टीवी धारावाहिक स्वरागनी में परिणीता आदर्श माहेश्वरी की भूमिका के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती हैं। अब बात करते हैं इनके करियर के बारे में। गौरव खन्ना ने टीवी अभिनय में अपने करियर की शुरुआत हिट टीवी शो भाभी से की थी। यह शो साल 2006 में आया था। गौरव को पहले शो में ही भुवन सरीन का किरदार निभाने के साथ ही प्रसिद्धि भी मिल गई थी। अपने पहले टीवी शो भाभी के बाद उन्होंने साल 2006 में ही प्रसिद्ध टीवी शो कुमकुम एक प्यारा सा बंधन में शर्मन वधवा की भूमिका निभाई। हालांकि गौरव के टीवी करियर की शुरुआत तो टीवी शो भाभी से हुई थी, लेकिन टीवी धारावाहिक मेरी डोली तेरे अंगना में मुख्य किरदार की भूमिका निभाने का मौका पहली बार मिला जो साल 2007 में आया था। साल 2009 में गौरव को भारतीय अभिनेत्री यामी गौतम के साथ टीवी धारावाहिक ये प्यार ना होगा कम में अबीर वाजपेयी के रूप में उनकी भूमिका निभाते हुए देखा गया। उन्हें लोकप्रिय शो सीआईडी में सीनियर इंस्पेक्टर कवीन के रूप में भी देखा गया था। अगस्त 2021 के अंत में वे दर्शकों के पसंदीदा टीवी शो अनुपमा में अनुज कपाड़िया की भूमिका निभा रहे हैं। उनका यह किरदार दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है। अब बात कर लेते हैं उनके घर के बारे में। गौरव अपने काम के कारण मुंबई के एक आलीशान अपार्टमेंट में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। आइए जानते हैं इनका नेटवर्थ कितना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गौरव खन्ना की कुल संपत्ति की बात करें तो उनकी कुल संपत्ति लगभग 10 करोड़ रुपए होगी और उनकी कमाई का मुख्य स्रोत टीवी धारावाहिक शो और टीवी विज्ञापन है। तो यह थी गौरव खन्ना की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप गौरव खन्ना के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में हमें यह ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो में किसके लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।